एक्टिवा 6G प्रीमियम एडिशन में एक नया कलर कॉन्सेप्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। जिन्हें ब्लू कलर बहुत पसंद है उनके लिए स्कूटर वरदान हो सकता है। और किसी भी स्कूटर या बाइक को प्रीमियम तभी बोला जाता है जब उसमें कुछ प्रीमियम चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसमें आपको जो व्हील मिलेगा वो गोल्डन कलर का मिलेगा। एक्टिवा का जो 3D मड लोगो आप देख रहे हैं ये भी गोल्डन फिनिश के साथ आएगा। साथ ही साथ एक्टिवा के नीचे प्रीमियम लिखा हुआ है ये भी आपको गोल्डन में ही मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टिकर है। अगर आप सामने की तरफ से इस स्कूटर को देखेंगे तो जो फ्रंट गार्निश ये भी आपको गोल्डन फिनिश के साथ मिलता है। तो जिन्हें गोल्डन पसंद है ना वो इस स्कूटर को कंसीडर कर सकते हैं। और ये एक डीएलएक्स वेरिएंट है क्योंकि आप हेडलाइट देखिए आपको फुली एलईडी मिलती है। तो एक्टिवा प्रीमियम एडिशन और इस कलर का जो नाम है वो है पियर सायरन ब्लू कलर। तो फटाफट इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इसका जो व्हील है वो देखिए गोल्डन कलर में मिलता है। आगे आपको डिस्क नहीं मिलता है, आगे आपको जो है ड्रम ब्रेक मिलता है, जिसके साइज की मैं बात करूं तो 130x130mm का है। और यही सेम साइज आपको पीछे भी देखने को मिलती है। दोनों ही आगे और दोनों ही टायर एकदम सेम है, 130mm के ही है और दोनों ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं। जस्ट ऊपर आपको सस्पेंशन जो मिलता है ये आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके आगे फ्रंट प्रोफाइल पे आते हैं तो मेन हेडलैम्प देखिए आपको, जो कि फुली एलईडी हेडलैम्प मिलता है। उजाला काबिले तारीफ है, उसको लेकर कोई शिकायत हम नहीं करेंगे। साइड इंडिकेटर्स उसके बगल में ही आपको देखने को मिल जाते हैं, खैर वो एलईडी नहीं है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। प्रीमियम एडिशन है तो प्राइस ये मत सोचिएगा कि इसका बहुत ज़्यादा है। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट और डीलक्स वेरिएंट है उसी के बीच का प्राइस इसका भी है, इसलिए आप जो है बेहचक रहिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, ठीक है, मुश्किल से 500 या 1000 का फर्क आएगा। अब आते हैं इसके मीटर कंसोल पे, तो यहाँ देखिए फुली डिजिटल मीटर कंसोल दूर दूर तक नहीं मिलता आपको, आपको फुली एनालॉग मीटर कंसोल कंपनी प्रोवाइड करती है। स्पीडोमीटर मिलता है, आपको ओडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, और साथ ही साथ जो है क्या मैं बोलूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंपनी को एक छोटा सा डिजिटल कंसोल देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बताने मुझे मज़ा नहीं आ रहा। इतना बड़ा सा डिस्प्ले है, देख के आदमी बहुत चक्का हो जाए कि भाई क्या क्या इसमें है, लेकिन कुछ नहीं है, सब एनालॉग वाला है। और दूसरी कंपनियाँ जो है इसी प्राइस रेंज में जितने स्कूटर हैं उनके उसमें डिजिटल कंसोल दे रही हैं, तो ये चीज़ एक्टिवा में भी आनी चाहिए। यहाँ पर आपको पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच, आपको हॉर्न वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये इसका मिरर सेक्शन है। और इसके साथ साथ राइट हैंडल साइड पे देखिए आपको एक सिंगल स्विच मिलता है जिससे आप पावर कट, ऑन ऑफ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये भैया एक्टिवा में आपको मिलता है जैसे होंडा SP 125 में मिलता है। अब यहाँ पे मल्टी फंक्शन जो है आपको कंसोल मिलता है जिससे आप सीट वगैरह भी ओपन कर सकते हैं और लॉक वगैरह भी कर सकते हैं, इग्निशन ऑन कर सकते हैं, सारा चीज़ आप यहीं से कर पाएंगे, ठीक है। और लेग स्पेस की मैं क्या ही बात करूं, एक्टिवा आज नई स्कूटर नहीं है, बहुत पुरानी स्कूटर है, इसकी धाक मार्केट में पहले से ही बहुत ज़्यादा है और स्कूटर सेगमेंट में वन ऑफ द टॉप स्कूटर है ये, ठीक है। लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे बूट स्पेस देखिए आपको, ठीक ठाक बूट स्पेस मिलता है। इसमें आप जो है अपना कैमरा, मतलब अपना हेलमेट और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। आप और भी चीज़ों को बात करते हैं, सीटिंग कंफर्ट कैसा है इस स्कूटर का, तो वो हमेशा से बेहतर रहा है। स्कूटर्स जो है आप जो है सीटी वगैरह में चलाने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर आप एक लंबी दूरी तय करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी स्कूटर से एक लंबी दूरी तय करें। एक्टिवा की जो ये आप देख रहे हैं ना बेजिंग, मतलब गोल्डन फिनिश के साथ बहुत प्यारी लगती है, नो डाउट। और नीचे आप देखिए यहाँ पे जो आपको इंजन वगैरह मिलता है 4-स्ट्रोक फैन कूल्ड इंजन है, 109.5 का इंजन लगा हुआ है। मैक्स पावर आपको 5.71 किलोवाट की मिलेगी। जैसे आप इसे PS में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 8 समथिंग कुछ PS आ जाएगा। पावर और टॉर्क बढ़िया है क्योंकि टॉर्क 8.84 का मिलता है, तो 110 के हिसाब से पावर और टॉर्क आपको इनफ देखने को मिलता है। किक और सेल्फ दोनों की सुविधा उपलब्ध है, तो आप चाहें तो किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर फ्यूचर में कभी बैटरी की प्रॉब्लम आई तो। और पीछे आपको जो है आउट में आपको, मतलब पीछे की तरफ ही जो है फ्यूल ओपनिंग का विकल्प मिल जाता है, तो आपको सीट वगैरह नहीं खोलनी पड़ेगी, आराम से आगे जो है बटन दबाइए अपना फ्यूल का कैप पीछे खुल जाएगा, पेट्रोल वगैरह भरवा के आप अपनी मंजिल तय कर सकते हैं, ठीक है। और टायर वगैरह मैंने आपको बता दिए, आगे और पीछे दोनों ही टायर आपको मतलब आगे वाला जो टायर है वो 90x90 का मिलेगा, 12 इंच का ट्यूबलेस टायर है। और पीछे जो आपको जो है टायर मिलेगा वो आपको 90x100 का मिलेगा, जो कि 10 इंच का ट्यूबलेस टायर है। अब इस स्कूटर में है ना कि आगे की तरफ आपको जो है 12 इंच का टायर और पीछे की तरफ आपको 10 इंच का टायर कंपनी लगा कर देती है। इसके पीछे स्टेबिलिटी वगैरह का जो है कुछ सीन है, ठीक है। और सस्पेंशन की मैं बात करूं तो पीछे आपको 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और भी कुछ चीज़ें जान लीजिए, जैसे इस स्कूटर की लंबाई 1833mm की है, इसकी ऊंचाई 1156mm, ग्राउंड क्लियरेंस 162mm, सीट हाइट 692mm, तो अगर जिनकी हाइट कम है उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बाइक का वेट
106 kg है, काफ़ी लाइट वेट स्कूटर है, तो चलाने में आपको कोई फजीहत नहीं होगी। फ्यूल टैंक इसका 5.3 यानी कि 5.3 लीटर का है। भरवाने के बाद अच्छी दूरी आप तय कर पाएंगे, अच्छे से चलाएंगे तो आपको हमेशा ये 55 प्लस का माइलेज दे देगी, लेकिन अगर आप रफली चलाते हैं तो माइलेज आपको कम मिलेगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब आते हैं इसके प्राइस पे, तो देखिए 76,000 यानी कि 76,677 रुपये, 76,677 रुपये इसकी एक्सोरूम प्राइस चल रही है। कंप्लीट स्कूटर के लिए आप अपना बजट रखेंगे 90,000 से लेके 95,000 के बीच में, और ये बजट, इसी बजट में आपको इसका डीएलएक्स वेरिएंट और स्टैंडर्ड वेरिएंट दोनों कवर हो जाएंगे और प्रीमियम एडिशन भी कवर हो जाएगा, तो जो आपको सही लगे आप ले सकते हैं। आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रीमियम एडिशन आपको कैसा लग रहा है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद, जय भारत।